एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फैन फिक्शन का आई सो यू इन क्लाउड रिसर्स पार्ट 28 लेके आई हूँ, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि विविजयन निहोय सिंह से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारा ब्रदर इन लॉ यानी कि मेंग्याओ के मेरे अगेंस्ट क्या ग्रज हैं। तो निहोय सिंह कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने एक बार मुझे बोला था कि वो नाजायज सन है सेक लीडर जिन का, और उसका हाफ ब्रदर जो है वो जिन जुशान है। दागे जो है उससे बहुत प्यार करते हैं, उसके प्यार में पागल हैं। मेंग्याओ जो है वो हमारे सेक्ट में जब आया था तो वो प्रेग्नेंट था अपने ही फादर के बच्चे से, और उसका बहुत सारे लोगों ने मिलके उसके साथ बहुत कुछ कर दिया था, और सारे डिन जिन के डिसिपल्स थे। यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली उसने अपना बच्चा भी खो दिया था। दागे उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर मेंग्याओ जो है हमेशा पता नहीं क्यों क्लाउड रिसर्स में ही रुकने की बातें करता है। तो विविजयन पूछता है, क्या मेंग्याओ क्लाउड रिसर्स में रुकने की बात करता है, पर ऐसा क्यों? क्या तो वो तुम्हारे भाई यानी कि सेक्लिडर नी को प्यार नहीं करता? निहोय सिंह कहता है, मेरा जो बड़े भाई हैं और जो मेंग्याओ है वो प्यार तो करता है, लेकिन उसे सेक्लिडर लैन को यानी कि जेवु जिन को फॉलो करना पसंद है, वो उन्हें ज़्यादा एनवे करता है। और मेंग्याओ जो है इस वक्त प्रेग्नेंट है, और उसे क्लाउड रिसर्स छोड़कर मेरे दागे से शादी करनी पड़ी। तो विविजयन अपोलोजाइज करते हुए कहता है, क्या ब्रदर नी प्लीज़ मेरी वर्ड्स को माइंड मत करना, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मेंग्याओ को प्यार है? मतलब उसके आइडियल अगर दागे नहीं हैं तो फिर उसे किससे प्यार है? तो निहोय सिंह कहता है, शायद हो सकता है, क्योंकि मेंग्याओ ने कभी इस बारे में दागे को नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से वो रहता है या जिस तरह से वो जेवुजुन से बात करता है, उनकी साइड देखता है, जेवुजुन तो हमेशा बिजी होते हैं अपने लैंड सेक्ट की ड्यूटीज़ में, पर मेंग्याओ उन्हें पसंद करता है, उन्हीं के स्टेप्स को फॉलो करना उसे पसंद है। मेंग्याओ एक नाजायज़ औलाद थी एक बहुत बड़े सेक लीडर की, लेकिन मेंग्याओ जो है उसने कभी भी जिन सेक्ट में वो चीज़ नहीं पाई, ना ही उसे नी सेक्ट में वो चीज़ मिली, और उसे वहाँ पर कुछ महसूस ही नहीं होता, लेकिन वो क्लाउड ड्रेसेस में इतना कंफर्टेबल होता है, जहाँ उसे कोई जज ही नहीं करता कि उसकी मदर का क्या प्रोफेशन था। मेंग्याओ की मदर एक पर्सनल प्रोस्टिट्यूट थी जिन गुआंगशाओ की, और शायद कहीं ना कहीं नी सेक्ट में भी उसे कुछ लोग ताना मार देते हैं, लेकिन लैन सेक्ट ने उसे कभी भी इस तरह के ताने नहीं मारे। और विभूषण कहता है कि मैं एक चीज़ कन्फ्रंट करना चाहता हूँ, क्या जेवजन इस बारे में जानते हैं? क्या वो मुझे मारना चाहता है? क्योंकि मैं लंजा से जो है शादी कर चुका हूँ, लेकिन मैंने जेवजुन से थोड़ी शादी की है, फिर वो मेरे खिलाफ इतने ग्रजेस लेके क्यों बैठा है? और ना ही मेरा होने वाला बच्चा जो है इस सेक्ट का ऑफिशियल हायर होगा, फिर वो मुझसे नफरत क्यों करता है? तो निहोय सिंह कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर तागे भी जो हैं वो की डेविएशन से सफ़र कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है उनके लिए। तो विभूषण कहता है कि जेवुजन जो है सेक लीडर नी की हेल्प करेंगे क्लिनजिंग म्यूज़िक बजाने में। तो निहोय सिंह जो है सिर हिला देता है, और विभूषण को डाउट होने लगता है कि वो जेवुजन से तो प्यार नहीं करता, और उसकी शादी तो लंजा से हुई है, फिर आखिर वो मेंग्याओ उसे क्यों जो है इतना तड़पाता है? और उसका होने वाला बच्चा भी सेक लीडर नहीं बनेगा, वो तो जेवुजन का बच्चा सेक लीडर बनेगा। लैन शिजन लवांगजी और विभूषण के साथ चिंगे के नी सेक जाते हैं, वहाँ पे निहोय सिंह भी उनके साथ जाता है। निहोय सिंह जो है उन्हें बताता है कि जो है अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना, और ना ही मेरे भाई के सामने मेंग्याओ के बारे में कुछ भी बताना। विभूषण जो है एज अ फ्रेंड समझता है कि निहोय सिंह गलत नहीं कह रहा, कहीं ना कहीं वो भी अपने घर को तबाह होने से बचाना चाहता है। निहोय सिंह भी खुद मेंग्याओ के खिलाफ जाने की जो है ज़रूरत नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि वो भी चिंगे के नी सेक्ट का एक पार्ट है, और उसका भाई जो है वो अंधों की तरह प्यार करता है मेंग्याओ से। वो जब चिंगे के नी सेक्ट पहुँचते हैं तब निहोय सिंह एंटर करता है उसके सेक्ट में, और वो मेंग्याओ से मिलता है। वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। मेंग्याओ जो है वो क्लिनजिंग म्यूज़िक बजा रहा होता है,
लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था सेक्ट लेंस एक्ट के अकॉर्डिंग, और वो काम करना चाहता था नीमिंजो को, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उनकी हेल्थ पे। तो नीमिंजे को उल्टा अपनी चेस्ट में एक पेन होने लगता है। मेंग्याओ सबको ग्रीट करता है एक फेक स्माइल के साथ, और जैसे ही वो वी वुजियान को देखता है जेवजुन और लवांगजी के साथ, मेंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा नफ़रत से फील होने लगती है उस सर्वेंट बॉय को देख के कि अभी तक कैसे ज़िंदा है। वो फिर भी सबको ग्रीट करते हैं और सारे के सारे नी मिंगजो को भी वो करते हैं। और लैन शुचेन कहते हैं, क्लैन लीडर नी, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना चाहता हूँ आपके और नी फुरेन यानी के मिंग्याओ के रिगार्डिंग, जो कि बहुत अर्जेंट इश्यूज़ हैं। और नी मिंगजो कहता है, सेक लीडर लैन, आप मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, मैं आपको सुनूंगा और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए अपनी फैमिली के साथ। और आप यहाँ आए हैं और इतनी जल्दबाजी में तो ज़रूर यहाँ पे कोई जो है अर्जेंट इशू होगा, तभी आपने मुझे बिना इन्फॉर्म किए आप यहाँ पे आ गए। तो लेन शुचेन कहता है, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसे मैं डिस्कस करने के लिए आपके पास आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये मैटर जितनी जल्दी रिजॉल्व हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मेरी क्लैन के सेफ्टी के बारे में है। तो नी मिंगजो कहता है कि आपकी क्लैन की सेफ्टी, वो भी नी क्लैन के साथ, ये कैसे पॉसिबल है। तब लैन शुचेन कहता है, एक्चुअली कोई मेरे लैन फुरेन यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ वी वुजियान को हार्म करना चाहता है, और वो पर्सन बिलोंग करता है आपके चुंगे के नी सेक्ट से। ये सुनते ही शॉक्ड हो जाते हैं तभी सारे के सारे, और नी मिंगजो जो है उनसे पूछता है, आप कैसे ब्लेम कर सकते हैं मेरे सेक्ट चिंगे के नी सेक्ट को बिना किसी प्रूफ के। तभी मिंगजो की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, और मिंग्याओ जो है डर से कांपने लगता है, उसकी टांगें कांपने लगती है। तभी वी विजन कहता है, सॉरी टू इंटरप्ट बोथ ऑफ यू, मैं आप लोगों को इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। क्लैन लीडर नी, मैं आपको सारे प्रूफ ज़रूर दूंगा। नी मिंगजो कहता है, कौन मेन कल्पिट है हर चीज़ के पीछे, आप मुझे क्या प्रूफ दे सकते हैं। तब लैन वी वुजियान चिल्लाता है और हैंड ओवर करता है इंसेंस बर्नर और शीलाजीत, और वो बोलता है, नी फुरेन यानी कि मिंगजो इन सब चीज़ों के पीछे हैं और ये उसके प्रूफ हैं। जैसे ही वो इंसेंस बर्नर और शीलाजीत देता है तो मिंगजो बोलता है, जांग फू यानी कि हस्बैंड, लैन फुरेन यानी कि वी वुजियान मुझे गलत एक्यूज़ कर रहे हैं और मुझ पर गलत एलिगेशंस लगा रही हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं उन्हें क्यों हर्ट करूँगा, मैं तो मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है लैन फुरेन यानी कि वी वुजियान के साथ। तब वी वुजियान कहता है, सेम, मैं भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि मैंने आपको कब ऐसा हर्ट कर दिया, और मुझे तो रीज़न भी नहीं पता आप मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं। तो मिंगजो जो है अपना पपी आइज दिखाते हुए कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया जांगफू, मैंने कुछ भी नहीं किया हस्बैंड। तब वी वुजियान कहता है, नी फुरेन यानी कि मिंगजो, झूठ मत बोलो, तुमने ही लंजा को काई टाउन में इनमें जो है जब हम जा रहे थे तब ड्रग किया था, और तुम ही वो बंदे थे जो हमारे लिए दो ग्लास दूध लेके आए थे। इवन तुमने उसमें ड्रग्स मिलाया था कि लंजा अपने जो सेंसेस है वो लॉस्ट कर जाए और अपने आप को फोर्स करें मुझ पर। तुमने सब कुछ बर्बाद करना चाहा और ये तुम्हारी मिस्टेक्स थी। फटाफट से विभूषण चिल्लाता है, और लवांगजी जो है उसे थोड़ी सी शर्म आने लगती है कि उसने उस रात क्या किया था। उसका दिल कर रहा था वो मिंगजो का सीना चीर दे, लेकिन मिंगजो कहता है, लैन फुरेन, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे अपने पति की गलतियों का आपने सारा कथा चिट्ठा मेरे सिर फोड़ दिया है, और हेंगुनजुन ने अगर आपको फोर्स किया तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो आप दोनों का पर्सनल मैटर हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कोई इनोसेंट पर्सन हो और सिंपैथी गेन करता है अपने हस्बैंड की। तभी नी मिंगजो कहते हैं और ज़ोर से बोलते हैं, मिंगजो, क्या तुम उनके लिए दूध लेके गए थे, तुमने मुझे तो कभी दूध नहीं दिया, और तुम उन दोनों का वेट क्यों कर रहे थे लेट नाइट तक इनमें। हाँ लैन फुरेन यानी कि वी वुजियान और सेक्ट ब्रदर जियांग चेन जब सो गए थे पीसफुली, तो आप जो हैं
वो वहाँ क्या कर रहे थे, और तुम जो हो वो सेक्सुअल एरोसेंट यूज़ करते हो ना, क्यों करते हो? और हमने तो इस तरह की चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं की, तो तुमने इस तरह की चीज़ें किस लिए खरीदी थी? क्योंकि हम दोनों तो एज अ हस्बैंड वाइफ कभी भी इस तरह की एरोटिक चीज़ें कभी यूज़ नहीं करते। तो मिंग्याओ जो है एकदम से डर जाता है और उसे लगता है कि अभी उसका शैतानी चेहरा यानी कि एविल फेस एक्सपोज होने वाला है। वो फटाफट चिल्लाते हुए कहते हैं, हस्बैंड आप मुझ पर डाउट कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैंने ये सब किया होगा? मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो ड्रंक थे और वो जो चाहना चाहते थे करना चाहते थे उन्होंने किया। विभूषण मुझ पर ये सारे ब्लेम डाल रहा है कि हैंगवन जून ने उसके साथ जो भी किया वो मेरी वजह से किया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपने हस्बैंड को कन्विंस करने लगता है कि मेरे इसमें कैसे हाथ हो सकता है। तो नी मिंगजू फटाफट से हार्श टोन में कहता है, मैं तुम पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहा, लेकिन क्लैरिफाई करो मेरे डाउट्स को। तब मिंग्याओ कहता है, अगर आपको मुझ पर डाउट है हस्बैंड, तो हस्बैंड क्योंकि दूसरों की वजह से आपने मुझे डाउट किया, मैं जीना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ दूंगा क्योंकि आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते। और वो टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है, फेक रोना दिखाता है। तभी मिंग्याओ जो है वहाँ से भाग कर जाने लगता है। वो सोच रहा था कि ऐसे ही ड्रामा करके मैं वहाँ से भाग जाऊँगा। और जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं उसकी सारी चीज़ें अभी रिवील हो जाएंगी, मिंग्याओ एकदम से इनबैलेंस होकर धड़ाम से टेबल पर गिर जाता है और उसका पेट, उसकी बेली जो है वो टेबल के कॉर्नर पे जाकर लगती है और मिंग्याओ के पेट से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और एक सेकंड के अंदर अंदर मिंग्याओ की पूरी बॉडी जो है वो पूल ऑफ ब्लड में होती है, एक ब्लड का इतना सारा खून उसका बह जाता है। तभी नी मिंगजू जो कहते हैं, प्लीज़ कोई फटाफट से इम्पीरियल हीलर को बुलाओ। और वो देखते हैं कि उसकी मेल प्रेग्नेंट वाइफ जो होती है वो बहुत सारे खून के अंदर लिपटी होती है। मिंग्याओ जो है ये सब होते ही एकदम से बेहोश हो जाता है और फ्लोर पर गिर जाता है। नी मिंगजू जो अपनी वाइफ को फटाफट से मेडिकल रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं सारे के सारे और ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी जो उन्होंने फेस की। मिंग्याओ फटाफट से बेहोश होया होता है और ऐसे ही फर्श पे लेटा होता है, लेकिन नी मिंगजू से जब लेके जाते हैं तो विभूषण पैनिक हो जाता है और लवांगजी से पूछता है रोते हुए, वांगजी लंजा, क्या मिंग्याओ प्रेग्नेंट है? क्या वो इनोसेंट है? क्या हमने गलत कर दिया? लंजा मैं खुद को नहीं माफ़ कर पाऊँगा अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ लंजा। और लवांगजी जो है वींग को कंसोल करने के लिए कहता है, वींग ये तुम्हारी गलती नहीं है, मिंग्याओ खुद से इम्बैलेंस होकर गिर गया, इसका तुमसे क्या लेना देना, और प्लीज़ खुद को इस तरह ब्लेम करना बंद करो। तुमने बहुत कुछ सहा है, तुम भी हर्ट थे और तुम भी प्रेग्नेंट हो और ये हमारे बच्चे को इफ़ेक्ट करेगा, प्लीज़। तभी लेंचिचन ऑर्डर करता है, वांगजी मास्टर वे को गेस्ट रूम में ले जाओ, ये उनके लिए हार्मफुल होगा अगर वो इस तरह से पैनिक करते रहे तो, और अगर वो खुद को ब्लेम करते जाएंगे ये जो भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा उनके और उनके बच्चे के लिए। और मैं अभी चीफ एक जुन यानी कि जो नी मिंगजू है उनके पीछे जाता हूँ, प्लीज़ तुम जो है काम हो जाओ और ख्याल रखो यंग मास्टर वे का। लेन शिचन जो है फटाफट से नी मिंगजू के पीछे जाता है, नी होसिंग भी वहाँ जाता है और नी डिसिपल्स भी वहाँ बहुत सारे जाते हैं। लवांगजी को एक नी डिसिपल जो है रूम दिखाता है, लवांगजी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को वहाँ लेके जाता है और रेस्ट करता है। कुछ घंटे बाद नी मिंगजू ऐसे एक बंदा बोलता है, नी हीलर जो है नी मिंगजू को बोलता है, चीफ मिंगजू नी फुरन ने अपना बच्चा खो दिया है और उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, मुझे उनकी वॉर्म जो है उनके पेट से निकालनी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा है और ब्लड रुकने का नाम नहीं रह रहा। नी फुरन आज के बाद किसी को भी पैदा नहीं कर पाएंगे और आज के बाद वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे, वो लाइफ टाइम के लिए बांझ हो जाएंगे। ये कंडीशन सुनते ही मिंग्याओ को नी मिंगजू को धक्का लगता है। लेन शिचन और नी हुईसेंग भी बहुत ज़्यादा नी मिंगजू की चिंता करते हैं जिसने अभी अभी अपना बच्चा खोया था। और नी मिंगजू तब जेवोजुन को कहता है, सेक लीडर लेन, मैं चाहता हूँ आप गुसु वापस चले जाएँ, मैं अपना बच्चा पहले ही खो चुका हूँ, प्लीज़
मैं नहीं चाहता मैं अपनी वाइफ को किसी भी चीज़ से और टॉर्चर करूँ। मुझे नहीं लगता मेंगियो इस कंडीशन में है कि वो आपको रिप्लाई दे पाएगा। और प्लीज़ भगवान के लिए और हेवन के लिए हमें छोड़ दें, हम इस मैटर को कभी और डिस्कस करेंगे। लिन शिचुन इस सिचुएशन समझता था कि नहीं मिंजू पे इस वक्त क्या बीत रही होगी और मिंग्याओ पे भी। तो लिन शिचुन वांग जी को कहता है, वांग जी मिंग्याओ ने अपना बच्चा खो दिया है और उसकी वॉम भी इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी कि उसकी वॉम भी उसने खो दी है। मिंग्याओ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो अच्छा होगा हम नी सेक्ट वहाँ यहाँ से छोड़ कर अपने लिन सेक्ट में वापस चले जाएँ। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है कि हम जो है इंटरोगेट करें मिंग्याओ को। प्लीज़ उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है और वो तो अब आज के बाद अपना बच्चा कंसीव भी नहीं कर सकता। वी बुजियान को भी सुन के बहुत दुख लगता है मिंग्याओ की कंडीशन जो है, और उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है। वो चिंगे के नी सेक्ट को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि विभूजन खुद भी प्रेग्नेंट था और उसके लिए ये सब झेलना और ये सब दुख झेलना बहुत मुश्किल था। वो लोग गुसु के लिए निकलते हैं। मिंग्याओ बहुत कर्ज करता है खुद को हर पेन के लिए और वो बहुत ज़्यादा जो है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उससे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो जाता कि उसने फिर से अपना बच्चा खो दिया और इस बार तो वो बांझ बन गया था। इस वक्त मिंग्याओ जो है वो अपनी सारी अच्छाई खो देता है। उसे बस विभूजन से अब रिवेंज चाहिए था कि जैसे उसने अपना बच्चा खोया है, अब वो चाहता है विभूजन भी अपनी जान से हाथ धो बैठे। मिंग्याओ बहुत रोता है, उसे ट्रॉमाटाइज हो जाता है, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाती है। मिंग्याओ ने इतनी सारी इंजरी झेली, इतना सब कुछ झेला, लेकिन उसका इंटरनल जो लॉस होता है वो अब कभी भी नहीं भर पाएगा। उसने अपनी इंसानियत भी खो दी और मिंग्याओ अब सिर्फ रिवेंज चाहता था। वो चाहता था कि वो भी इतनी ब्रूटली जो है विभूजन को मार डाले क्योंकि आज उसने अपना बच्चा फिर से खो दिया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।